रोलिंग और काफ़ी खुशियाँ जैसे कि घर में आज तो, लेकिन कुछ अजीब ही देखने को मिला लोगों को, जैसे कि आपने बीच में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया था कि आप चलेगा उसके बाद, लेकिन ये जो देखने मिला ये तो अजीब एकदम अनोखा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये सिंघानिया उसकी अनोखी शादी होने वाली। एक सेकंड ज़्यादा, एक सेकंड, एक मिनट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये ये शादी एक अनोखी शादी होने वाली है और इसमें हम वो सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं जो आज तक कभी हुई नहीं, तो ये आइडिया भी मेरे दिमाग से निकला है। और मैंने आज मम्मा को घोड़ी पे चढ़ाया और हम बारात लेके पापा के घर जा रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला सब कुछ। और वहाँ पे वो सब मेरी वेट कर रहे हैं सिंघानिया उसमें, और मैं यहाँ पर बारात लेकर जा रहा हूँ, तो मुझे पता है मुझे डांट भी पड़ने वाली है, पर ओवरऑल आई थिंक कि बहुत मज़ा आने वाला है और सब लोग बहुत खुश है। और हम नाचते नाचते जा रहे हैं, पूरे रास्ता हम नाचते नाचते गए पापा के घर तक। जैसे कि आप इतने प्लान बनाते थे, बीच में भी सब प्लान आपके सक्सेस होते हुए हैं, और लेकिन ये तो कुछ अलग ही प्लान था, और इसको मास्टर प्लान भी बोल सकते हैं कि आपका, कि एक अलग चीज़ ला रहे हैं। जब मेरे दिमाग में आइडिया आया था तो ये बारात वाला कि मम्मा घोड़ी पर बैठेंगी, तो कई लोगों ने कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू मी बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब लड़का जा सकते लेने लड़की को, दुल्हन को, तो दुल्हन क्यों नहीं जा सकती दूल्हे को लेने के लिए। तो ये मेरे दिमाग में आया, तो हमने प्लान बना लिया। तो मतलब कि पापा की जो मतलब वो चाहते थे घोड़े पे बैठने का, इस बार चांस तो आपने तो वो छीन ही लिया उनसे। चलो एक बार वो बैठे थे, एक बार मम्मा बैठ गई, तो हिसाब बराबर तो सही है। तो ऐसे आज नाच गाना भी हुआ, ये सब हुआ, मतलब काफ़ी इन्जॉय किया इस चीज़। बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। नागिन डांस किया मैंने जो मेरा फेवरेट है, तो बहुत ही मज़ा आया बारात में। तो जो 10 साल से हम केप टाउन थे, तो ऐसी शादी भी अटेंड नहीं की थी, और मम्मा पापा की शादी है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है, तो बहुत मज़ा आया। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि खुशियाँ बहुत सारी, जैसे शादी हो रही है बहुत ही खुशियाँ हैं, आगे चल के भी होगा, लेकिन थोड़ा क्या इस ट्रैक में चेंज है, क्योंकि खुशी के बाद एक सडनली कुछ सस्पेंस आता है या फिर गम आता है, ऐसा कुछ भी, तो ऐसा कुछ देखने मिल सकता है आगे चल के लोगों को? अभी तो फिलहाल मैं खुशियों पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ, और आगे तो जैसे अगर खुशियाँ आती है तो गम भी मिलते ही है, तो ऑब्वियसली बात है अभी खुशियाँ हैं तो हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है, खुशियाँ भी आती है और गम भी आते हैं, तो अभी फिलहाल खुशी का मौका है, खुश रहना चाहिए हमें। गम का जब कोई आएगी बात तब देखेंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। मतलब आप उस टाइम भी डटे रहेंगे सॉल्व करने, डटे रहूँगा तब भी प्लान्स बनाऊँगा और अच्छा और इंटरेस्टिंग। थैंक यू।